नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आरएसी टिकट जो होती है, थंबनेल ने आपने देखा ही होगा कि अगर आरएसी 55 है और वो अभी /26 चल रही है तो इसका मतलब क्या होता है और ये कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा आरएसी की फुल फॉर्म होती है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो कोई भी टिकट होती है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चांस होता है, आरएसी में है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चांस होता है कि पहले आरएसी वाले को मिलेगी, उसके बाद वेटिंग वाले को मिलेगी, तब कंफर्म होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आरएसी टिकट का मतलब चांस 100% होता है कि वो कंफर्म ही हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर वो आपकी कंफर्म ना हो सकी, फुल सीट कंफर्म ना हो सकी, तो आपको हाफ सीट मिलेगी जिसमें आपको साइड लोअर में 1 पर्सन 1 और पर्सन 2 को, यानी अगर आपकी 10 और 11 है तो दोनों पर्सन को एडजस्ट करके आपको या बैठ के जाइए, अगर आप एडजस्ट कर सकते हो सो के जा सकते हो तो दोनों आदमी आप लेट के जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी कि सिंगल सीट पे एक आदमी, सिंगल सीट पे दूसरा आदमी, यानी एक ही सीट पे साइड लोअर में दोनों आदमी को एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। अगर वैसे हो सकता है कि आप पूरी सीट पे पूरी बर्थ अलॉट हो जाती है, वो अगर आपकी आरएसी 20-30 तक है तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो कंफर्म ही हो जाए अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा चांस है कि वो कंफर्म हो जाएगी। हाँ, अगर आप वेटिंग में हैं तो वो सबसे पहले आरएसी में आएगी, उसके बाद वो कंफर्म होगी। तो इसी तरह होता है कि आरएसी पहले कंफर्म होने का चांस होता है, इसीलिए इसका नाम ही होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसीलिए मैक्सिमम चांस होता है कि आरएसी जल्दी कंफर्म हो जाए। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।